के धागे पकौड़े जो एनी टाइम हम बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं विदाउट सोडा के भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है, ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोया है। देखिए अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे 30 मिनट भी भिगा के बना सकते हैं। देखिए अच्छे से भीग गई है। चलिए अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के इसे पीसेंगे। दाल में मैं 2 प्याज डाल रही हूँ। हम 2 प्याज डालेंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ। कोरिएंडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ है डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो और डाल सकते हैं। जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने एक बार पीस लिया है, इसे एक बार ग्राइंड किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी, फिर इससे हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से पिस गया है। देखिए ऐसा मिक्सचर होना चाहिए। मैं इसे बाउल में निकाल दूंगी। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे डीप फ्राई करेंगे। पकौड़े खाने का तो कोई सीजन नहीं होता, इसे हम जब चाहे, जब मन करे हम जब चाहे बना लेते हैं। इस चने दाल के पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसे मिक्स करके हमसे हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं एक टिप दूंगी, अगर हम कभी भी कोई भजिया बनाए या पकोड़े बनाए किसी भी चीज का, तो ये हम जो गर्म तेल है इसे हम इस भजिए के बैटर में डालेंगे, जिससे हमारे जो पकौड़े है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, जिसमें हमें सोडा या कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे चम्मच की हेल्प से या हम अपने हाथों से ही पकौड़े डालेंगे। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तब ध्यान दीजिए इसे अच्छे से पकाना है ताकि वो अंदर से कच्चे ना रहे। हमारे पकौड़े हो गए अच्छे से एकदम, अंदर से हमें देखना है, नहीं तो ये अंदर से कभी कभी कच्चे रह जाते हैं। मैंने छान लिया, अब मैं हाथ से भी डाल के बताऊंगी आपको। देखिए मैंने डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये भी हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है। ना सोडे की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। मैंने कड़ी पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ठेले में जैसे बनता है मैंने वैसे। 2 हरी मिर्ची है, स्लिट किया है मैंने बीच में से इसे। देखिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखो इसमें हम डालेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो आप
कर सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चटनी बनाऊंगी जिस पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम चटनी बनाते हैं। ग्राइंडर लिया है जिसमें मैंने हरा धनिया लिया है 1/2 कप, 2 हरी मिर्ची, 3 से 4 लहसुन और दही लिया 1 चम्मच। दही डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार। हमारी चटनी बनके रेडी है, देखिए कितनी टेस्टी और चटपटी सी चटनी है हमारी। अब हम सर्व करेंगे, हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए हम प्लेटिंग करेंगे, ये हमारी चटपटी सी चटनी, सॉस, ये हमारे पकौड़े। हमारे पकौड़े बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी सा पकौड़े है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अमेजिंग सिंपल सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।